ओके, लास्ट के कुछ वीडियोस में हमने देखा कि हमें कौन से ऑप्शंस मिलती है एक स्टोरेज अकाउंट में एजर के, और साथ ही हमने क्रिएट किया था एक एजर का स्टोरेज अकाउंट। तो अगर वो वीडियोस नहीं देखे हो तो एक बार जाके देख लियो, ठीक है। इस वीडियो में बस हम एक जो यूआई है एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमें क्या मिलता है और वो किस तरह से दिखता है, हम बस वो एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो जैसे ही हमारा एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो आप देखोगे कि एक जिस तरह से वर्चुअल मशीन के टाइम पे हमें सभी चीज़ें दिखती थी, राइट, उसी तरह से हमें यहाँ पे भी दिखाई देता है। और ये क्या नोटिफिकेशन है, ठीक है, हम इसको स्किप कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे पास रिसोर्स ग्रुप है, लोकेशन कहाँ पे मैंने होस्ट किया है, सेकेंडरी लोकेशन। अब ये सेकेंडरी लोकेशन का क्या मतलब है, ये मैंने आपको याद है मैंने वो वाला लोकेशन सिलेक्ट किया था, सॉरी ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया था जियो रेप्लिकेशन करके रिडंडेंसी के लिए। तो यहाँ पे क्या है, जो मेरा डेटा है जो भी मैं अपलोड करूँगा वो ईस्ट यूएस में स्टोर होगी और उसकी एक सेम कॉपी स्टोर होगी वेस्ट यूएस में, ठीक है। सो अगर ईस्ट यूएस में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, डेटा सेंटर क्रैश होता है, कुछ भी होता है, तो मेरा जो डेटा है वो सेफ होगा वेस्ट यूएस में, ठीक है। और हमने ऑप्शन सिलेक्ट किया था स्टैंडर्ड हॉट, हॉट का मतलब हम इसमें बार बार रीड राइट चीज़ें करेंगे। और हाँ, रेप्लिकेशन के लिए मैंने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया था, और जो काइंड है वो जनरल पर्पस टू। तो ठीक है, ये सब वही चीज़ें हैं जो हमने सिलेक्ट किया था लास्ट वीडियो में, ओके। और जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती है एज्योर इन ए स्टोरेज अकाउंट वो है ब्लॉब सर्विस, फाइल सर्विस, क्यू सर्विस और टेबल सर्विस। हमें अगर इन सब के साथ अगर जिसमें से भी हमें काम करना है, जिसकी भी ज़रूरत है, हम उस पे क्लिक करके हम उसमें वो चेंजेस कर सकते हैं। या तो हम यहाँ से करेंगे या तो फिर हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिखेंगे कंटेनर्स, फाइल शेयर्स, क्यूज और टेबल। एक्चुअली जो कंटेनर्स है वो ब्लॉब के लिए ही है, ठीक है। सो कंटेनर को आप समझ लो कि एक फोल्डर की तरह है। कैसे समझाऊँ, मैं ये ओपन करता हूँ, ठीक है। सो ये है यहाँ पे जो आप अकाउंट देख रहे हो, ये है हमारा स्टोरेज अकाउंट। स्टोरेज अकाउंट के अंदर एक है कंटेनर, और कंटेनर के हम अलग अलग कंटेनर्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि एक फोल्डर हो गया, लाइक एक इमेजेस का फोल्डर हो गया, और इस फोल्डर में हम सिर्फ इमेजेस स्टोर करेंगे। एक मूवीज़ का फोल्डर हो गया, उसमें हम सिर्फ मूवीज स्टोर करेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है लाइक एक कंटेनर और ब्लॉब में। ब्लॉब हम कंटेनर के अंदर रखते हैं, उसके बाद फाइल शेयर्स, उसके बाद यहाँ पे है क्यूज, और फिर हमें दिखता है यहाँ पे टेबल्स। तो हम आगे की वीडियोस में हम एक एक चीज़ों को, एक एक सर्विस को हम एक्सप्लोर करेंगे, और तब हम देखेंगे कि हम किस में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि अगर हम चाहे तो हम अपना खुद का एक वेबसाइट है वो एज ए ब्लॉब होस्ट कर सकते हैं, एक स्टैटिक वेबसाइट, और बहुत ही चीप, कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, और बहुत ही कम पैसों में हम एक अपना खुद का वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं एजियोर पे। उसके बाद ये वाला टैब है सिक्योरिटी एंड मॉनिटर का, उसमें हम नेटवर्क रिलेटेड चीज़ें सेटिंग्स कर सकते हैं, कुछ फायरवॉल सेट कर सकते हैं, एंड पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं, और ये क्या चीज़ है कस्टम डोमेन का वो भी हम देखेंगे। उसके बाद आता है सीडीएन का, ये जब आप वेबसाइट होस्ट करते हो या फिर कोई वीडियोज़ वगैरह वाली एप्लीकेशन क्रिएट करते हो या फिर इमेजेस वाली एप्लीकेशन क्रिएट करते हो, तब हमें काम आता है एजर का सीडीएन। उसके बाद है एक्सेस की। अभी इस स्टोरेज अकाउंट को एक्सेस करने के लिए मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, कुछ सीक्रेट्स है, कुछ कीज़ है जिनकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, वो मुझे यहाँ से प्रोवाइड हो जाएगी। जैसे मैं शो की पे क्लिक करूँगा मुझे वो दिखेगा। तो अगर मैं एप्लीकेशन में कोई लाइक प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ और प्रोग्राम के थ्रू मैं इस स्टोरेज को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं ये कीज़ को यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद है एसएएस। अभी ये एसएएस हम क्रिएट करते हैं यूजिंग द एक्सेस की, और ये एक तरह से एक टेम्प्ररी टोकन टाइप बन जाता है। हम इस टोकन से हम इन सर्विस को एक्सेस करते हैं। तो बेसिकली सेम चीज़, बट इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो हम जब हम नेटवर्किंग और सिक्योरिटी वाली चीज़ें सीखेंगे तब मैं एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद एनक्रिप्शन, सो जैसे नाम से हमें लगता है कि ये एनक्रिप्ट वगैरह करेगा हमारे डेटा को, और इन स्टोरेज और एट रेस्ट, तो ये भी हम देखेंगे बाद में, और ये देखेंगे हम बाद में। उसके बाद है सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ें। सिक्योरिटी हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये फ्री नहीं आता है, ठीक है, और ये हमारे एजर में नहीं है, तो हम वापस चले जाएंगे, सिक्योरिटी को हम स्किप करेंगे। और ये हम देखेंगे, ये हम ज़रूर सीखेंगे कि ये सिक्योरिटी क्या है और कब काम आता है और कैसे यूज़ करना है, बट अभी के लिए हम इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद डेटा मैनेजमेंट, तो जियो रेप्लिकेशन है, ये हमारे डुप्लीकेट
हमारे डेटा को डुप्लीकेट करने के लिए, ताकि हमारा डेटा सेफ रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी आपने अगर एक फ़ोटो भी अपलोड किया तो कहाँ कहाँ पे सेव होगा, वो होगा इस कोने में, ठीक है। एक तो आपका कॉपी यहाँ पे रहेगा और एक कॉपी यहाँ पे रहेगा। तो अगर यहाँ पे कुछ हो भी जाता है तो आपका जो डेटा है वो यहाँ पर सेव रहेगा, ये ग्रीन वाले जगह पे सेफ रहेगा। उसके बाद डेटा प्रोटेक्शन, ताकि अगर आपने कभी कुछ डिलीट कर दिया तो कितने दिन तक वो आप उसको वापस से अनडिलीट कर सकते हो। सो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन, कुछ पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली आप कुछ लाइक रिटेन वगैरह कर सकते हो। और हाँ, जो मैंने वेबसाइट की बात की थी, स्टैटिक वेबसाइट, सो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, ये भी हम देखेंगे कैसे करेंगे। उसके बाद लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, तो ये हम अभी के लिए स्किप कर देंगे। उसके बाद एज्योर सर्च, ये हम जब टाइम आएगा तब हम सीखेंगे, अभी हम ये स्किप कर देंगे। उसके बाद मॉनिटरिंग और ऑटोमेशन और सपोर्ट वाली चीज़ें हम नहीं देखेंगे। और सेटिंग्स, अभी कुछ सेटिंग्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये सभी सेटिंग्स हमने जो क्रिएशन के टाइम पे सेलेक्ट किया था, वही अगर हम चाहें तो हम उसको चेंज और अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपना रेप्लिकेशन को लोकली कर सकता हूँ, या फिर हॉट को कूल बना सकता हूँ। ये सब चीज़ें जो हमने क्रिएट करते टाइम पे सेलेक्ट किया था, वो हम यहाँ से चेंज करेंगे। कोर्स, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके ऊपर मैं पूरा का पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ कोर्स के ऊपर, ठीक है। और ये आप उसमें सीख जाओगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद एडवाइज़र रिकमेंडेशन, ये हमें नहीं देखना है, ये नहीं देखना है हमें। उसके बाद एंड पॉइंट्स, ये इम्पॉर्टेंट है कि जो आपने जो भी स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया वो आप कहाँ कहाँ से एक्सेस कर सकते हो, आपको वो यूआरएल्स मिलती है। लाइक अगर आपको ब्लॉग यूज़ करना है तो आप ये यूआरएल यूज़ करोगे, मतलब ये आपका रिसोर्स आईडी है, आप ये यूआरएल यूज़ करोगे। अगर आपको फाइल यूज़ करनी है तो आप ये यूआरएल यूज़ करोगे, सॉरी, ये रिसोर्स आईडी है आपका और आप ये यूआरएल यूज़ करोगे। इसी तरह से अलग 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 चीज़ें, आपको जो भी करना है, आपको अगर अपनी चीज़ों को एक्सेस करनी है तो उसके रिलेटेड लिंक्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। और लॉक्स, लॉक का मतलब बस इतना है कि अगर आपने किसी चीज़ पे लॉक लगा दिया तो वो डिलीट नहीं होगा जब तक आप उसको अनलॉक नहीं करते, तो एक्सीडेंटली आप कुछ भी डिलीट नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली यही था, हमने पूरा ही समझ लिया एक्सेप्ट फॉर मॉनिटरिंग और कुछ एक दो एडवांस्ड ऑप्शन, बट हमने बाकी सभी चीज़ें यहाँ पे देख लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट कर देंगे कंटेनर्स के साथ, ब्लॉब के साथ, और हम वहाँ से चीज़ों को लाइक सीखना स्टार्ट कर देंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।